डेरा सच्चा सौदा दे दूसरे गद्दी नशीन पूजनिक परम पिता शाह सतनाम जी महाराज दे पवित्र महारहमो करम महीने दा एमएजी भंडारा 12 फरवरी एतवार नूं उत्तर प्रदेश अते उत्तराखंड दी साध संगत फिरोजाबाद दे मखनपुर यूपी नजदीक नवी बस्ती नवादा पलवी कोल्ड दे कोल बड़े ही धूमधाम अते हर्षोल्लास दे नाल मनाई जा रही है। पवित्र एम ए जी भंडारे ते पूजनी गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा उत्तर प्रदेश दे शाह सतनाम जी आश्रम बरनामा तो ऑनलाइन गुरुकुल दे माध्यम राही रूहानी सत्संग फरमाउणगे। रूहानी सत्संग दा प्रोग्राम सवेरे 11 बजे शुरू होएगा। इस दौरान पूजनी गुरु जी लोकां नूं नशा अते समाजिक बुराइयां नूं छड्डन दा अहद दिवाउणगे। इस दे नाल ही बुराइयां तो बचण दा तरीका भी दसणगे। पवित्र भंडारे नूं लैके साध संगत विच खासा उत्साह देखिया जा रहा है अते सूबा कमेटी भंडारे प्रोग्राम दीआं तैयारियां नूं अंतिम रूप देण विच जुट गई है। दूजे पासे स्थानक डेरा श्रद्धालुआं विच पवित्र भंडारे दी खुशी विच होण वाले रूहानी सत्संग नूं लैके इस कदर खुशी दा माहौल है कि उह घर घर जाके लोकां नूं प्रोग्राम विच शामिल होण दा सद्दा दे रहे हन। नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं सच कहूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में और आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर कल पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज का पावन रहमो करम एमएसजी भंडारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सासंगत द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा विशाल पंडाल जहाँ पर छायावान लग चुके हैं, स्पीकरों की व्यवस्था की जा रही है और साध संगत का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि कल बड़े स्तर पे पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज का पावन भंडारा मनाया जाएगा और इसमें पूजनीय गुरुजी उत्तर प्रदेश बरनावा आश्रम से साध संगत को अपने पावन वचनों से निहाल करेंगे और कल यहाँ पर आने वाली बड़ी संख्या में साध संगत और नशे छोड़ने के लिए लोग जो आएंगे उनका नशा छुड़वाया जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, ताकि लोगों को बड़ी संख्या में नशा छुड़वाकर उन्हें राम नाम से जोड़ा जा सके। आइए हम बातचीत करते हैं जो यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? जी मुरादाबाद से। मुरादाबाद से तो कल क्या यहाँ पे है जो और क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भंडारा है कल शाह सतनाम जी महाराज जी का। जी, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे? सब स्पीकर समिति की तरफ से ये लग रहा है स्पीकर, बाकी पंडाल समिति की तरफ से, बाकी पूरी सब संगत सेवा में लगी हुई है। साध संगत में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल, और काफी संख्या में साध संगत भी आएगी। इस बारे में आप क्या, क्योंकि काफी साल बाद पूज्य गुरु जी उत्तर प्रदेश की साध संगत और उत्तराखंड की साध संगत के साथ एमएसजी भंडारा कल मनाएंगे, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, क्या उत्साह देखने को मिलेगा? नहीं, उत्साह क्या, सब लगे हुए हैं साध संगत सेवा में। फिरोजाबाद की पूरी साध संगत लगी हुई है, बाकी यूपी से सब लोग आएंगे सेवा के लिए, सब लोग लगे हैं उत्साह के साथ में। तो आप देख सकते हैं साध संगत में काफी उत्साह है और कल बड़े स्तर पर लोगों को नशा छुड़वाया जाएगा और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि वो इस खबर को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि कल भारी संख्या में लोग बुराइयां छोड़ सकें, नशे छोड़ सकें। ये हमारे दूसरे गुरु परम पिता शाह सतनाम जी के रहमो करम माह के अंदर ये पावन एमएजी भंडारा 12 तारीख को 11 बजे से शुरू होगा और यहाँ की स्थानीय साध संगत, फिरोजाबाद की साध संगत, शिकवाबाद की साध संगत पूरे तन मन धन से इसकी तैयारियाँ पूरी संपूर्ण करने में लगी हुई हैं और दूर दराज से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सारी साध संगत यहाँ आएगी। लाखों की तादाद के अंदर अपने हजूर पिताजी नशे और बुराइयाँ छुड़वा रहे हैं, तो सारी साध संगत ने भी संकल्प लिया है कि हम जो लोग नशा करते हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, तो वो भी यहां आकर गुरुजी का सत्संग ऑनलाइन वर्चुअल सत्संग सुनकर वो भी नशे बुराइयां छोड़ें जी। और यहां हर एक तरह की समितियां पहुंच चुकी हैं, चाहे पंडाल समिति, चाहे छायावन समिति, चाहे लंगर समिति, चाहे प्रसाद समिति और स्पीकर समिति, हर एक तरह की समितियाँ यहाँ अपनी अपनी तैयारियों के अंदर जुटे हुए हैं। सबका
बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिल रहा है और साध संगत में बहुत भारी उत्साह है कि हमारे यहाँ फिरोजाबाद के अंदर तीसरी बारी हजूर पिताजी रूहानियत का बरसात करने के लिए 12 तारीख को आ रहे हैं, वर्चुअल सत्संग करेंगे और लाखों लोगों को नशे और बुराइयों से दूर करेंगे, उनको एक तरीका जो नशे और बुराइयां छोड़ने का तरीका बताएंगे। तो साध संगत पूरे जोश से तन मन धन से लगी हुई है और हम सभी भी जिम्मेदार भी एक दूसरे के सहयोग से इसको कामयाब करेंगे और यहाँ रूहानियत की वर्षा होगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।